हेलो एवरीवन, दिस इज महदेया एंड वेलकम टू आवर फ्यूचर यूट्यूब चैनल। तो आज अपन बात करते हैं गेट 2022 की। इसके अंदर बात करने वाले अपन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड का क्या रोल होता है और किस तरीके से आप इसके अंदर मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं। देखो, आपको पता है कि कुछ ब्रांच के अंदर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आती है, कुछ ब्रांच के अंदर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स नहीं आती है। तो जिनकी आती है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, और जनरल एप्टीट्यूड को 15 क्वेश्चन जो आते हैं वो तो सबके अंदर आते हैं। तो जिसके अंदर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आती है उसके 13 क्वेश्चन आते हैं और 15 क्वेश्चन होते हैं आपके जनरल एप्टीट्यूड के। टोटल मिलाकर 28 नंबर का जो होता है वो आपका जनरल एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स रहता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जनरल एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ठीक है, ये दो सब्जेक्ट है। तो इसमें से कम क्वेश्चन कितने आते हैं? 15 क्वेश्चन, और इसके क्वेश्चन कितने आते हैं? 13 क्वेश्चन। टोटल मिला कितने क्वेश्चन हो जाते हैं? 28। अब 28 क्वेश्चन है और एक एक मार्क्स का मतलब 28 नंबर का ये करीब आता है। बाकी 72 नंबर का मार्क्स का जो पेपर होता है वो आपको खुद का सब्जेक्ट होता है। अब देखिए, अगर आपको IIT और IISc में जाना है तो आपको करीब कट ऑफ 60 नंबर, आप देख सकते हो पिछले साल कट ऑफ देख सकते हो, करीब आपको 60-65 नंबर लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर उसमें से जो 65-65 मार्क्स लाने हैं उसमें से अगर 65 लाना है उसमें से अगर 28 में से आपके इसमें करीब 25 नंबर आ जाए, करीब 25 नंबर आ जाए, तो आपको बाकी सब्जेक्ट में 40 नंबर लाने होंगे, जो कि बहुत इजी रहता है अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा हो तो। तो इसमें 25 मार्क्स कैसे लेकर आने हैं और मैं क्या आपके हेल्प कर सकता हूँ, किस तरीके से आपको बुक अभी जो 2-3 महीने बचे हैं आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए वो सब के बारे में अपन उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसको एक बार मैं रफ कर लेता हूँ फिर बताता हूँ आगे क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जनरल एप्टीट्यूड की, बात करते हैं। देखो, इसके 15 क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन मॉडरेट होते हैं, मतलब ऐसा भी नहीं है क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन अच्छे होते हैं। 15 में से 10 क्वेश्चन बहुत इजी मिलेंगे, 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हर कोई नहीं कर पाएगा, तो करीब 10-12 क्वेश्चन हर कोई कर लेता है। लेकिन इसमें अपन को 15 में से करीब करीब 14 मार्क्स लाने ही लाने हैं। अभी कब आ सकते हैं? इसके अंदर क्या करो आप, 15 मार्क्स लाने के लिए आप क्या करो, एक तो प्रीवियस ईयर के पेपर देख लो, ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर ले लो, ठीक है। उसके अलावा मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है RRB करके, लेकिन ये जो मैं मैथ्स पढ़ाता था वो मैं गेट की बुक से ही पढ़ाता था, जो गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते थे मैं उसमें से पढ़ाता था। तो ये बहुत मतलब लोगों ने बहुत लाइक किया था, आप जाकर देख सकते हो, ठीक है, सबको बहुत पसंद आई थी ये। तो ये वीडियो जो है आपको सिर्फ मतलब जैसे 2-3 घंटे का मैंने वीडियो बनाया एक टॉपिक पर, तो मुश्किल से 4-5 दिनों के अंदर या 6-7 दिनों, जो आपकी कैपेसिटी डिपेंड करता है, आप ये वाला पोर्शन पूरा कर लोगे। मैंने पूरा सिलेबस कराया हुआ उसके अंदर, तो करीब 70-80 वीडियो है, वो वीडियो आपको जाकर देखना है, ठीक है। उसमें सिर्फ क्वेश्चन कराया जो गेट के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वही मैंने कराया हुआ, सिर्फ नाम प्लेलिस्ट का RRB जी है। तो उसमें मैथ्स के जो वीडियोज है वो जो भी वीडियो आप देखकर देख सकते हो, उसमें काफी हद तक आपका सब कुछ क्लियर होगा। अगर उतने वीडियो भी देखकर चल जाओगे तो 13 क्वेश्चन तो मेरी गारंटी, 15 में से 13 क्वेश्चन कर लोगे, बहुत अच्छे से कराएगी, आप जाकर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसमें बहुत से तरीके बताए हुए किस तरीके से अटेंड किया जाता है क्वेश्चन को, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इतना अगर सारे वीडियो देख लोगे तो आराम से इसमें बताया 13 क्वेश्चन, आराम से क्वेश्चन करने का तरीका समझ में आ जाएगा, कैसे करना फटाफट। ये जनरल एप्टीट्यूड जो होता है उसका तो क्वेश्चन फटाफट करने होते हैं, तो आपको तरीका समझ में आ जाएगा कैसे क्वेश्चन, एन वाले क्वेश्चन होते हैं या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन होते हैं, जैसे क्वेश्चन होते हैं तो इससे पता चल जाएगा आपको, क्योंकि मैंने क्वेश्चन बहुत फटाफट तरीके से कैसे करता हूँ बताया हुआ है। सेकेंड बात करें अपन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की, इंजीनियरिंग, अब ये 13 मार्क्स की आती है। अब इस 13 मार्क्स में से वैसे 13 नंबर लाने बहुत मुश्किल है, ठीक है, लेकिन अगर आपने प्योरी सारी थ्योरी पढ़ी है, बहुत अच्छे से करा हुआ है, तो मतलब आप 13 में से मान के चलिए 11-12 तो ला ही सकते हो, क्योंकि इसमें 10 क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं और 3 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन बहुत हार्ड होता है, जो हर किसी से नहीं होगा, बहुत कम लोग कर पाएंगे। 2 क्वेश्चन ऐसे एवरेज मॉडरेट मान सकते हो, जिसने पढ़ा हो उससे होंगे, तो करीब 13 क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें से मैंने जब आपको ATC मैथ्स पढ़ाया, क्योंकि मेरे चैनल पर मोस्टली जो स्टूडेंट है वो ग्रेजुएट, वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वाले ही है, और उन्होंने क्या है कि ATC की प्रिपरेशन देती है, तो उसमें मैंने ATC मैथ्स की जो प्लेलिस्ट के अंदर जो मैंने पढ़ाया है वो कम्प्लीटली सिलेबस है किसका, गेट का, क्योंकि ATC में जो आता है वही गेट में आता है, ठीक है। ATC की मैथ्स जो होती है वही गेट की मैथ्स है, और गेट की मैथ्स ऐसे उल्टा हो सकते हो, तो गेट में वही आता है जो ATC में पूछता है, उस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं। तो आप वहां से क्या कर सकते हो, जो मैंने वीडियो ATC मैथ्स में वीडियो डाले हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट के डाले हुए हैं, बहुत कम टाइम के अंदर आप अच्छा कॉन्सेप्ट सब बेसिक से पढ़ाया हुआ है, बेसिक से लेकर एडवांटेज एडवांस तक पढ़ाया हुआ है, तो आपको मतलब सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अगर आपने कुछ पढ़ा भी होगा तो मेरी गारंटी है कि आपको बहुत कुछ चीजें सही पता चल जाएगी, और आराम से मतलब वीडियो देखकर आप 13 में से 10 क्वेश्चन तो करके आओगे, बाकी 3 क्वेश्चन आपके
खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके कॉन्सेप्ट कैसे हैं और आपका दिमाग उस टाइम कैसे चलता है। तो ये रही बात टोटल मिलाकर जो 28 मार्क्स का पेपर आएगा, इसमें से अगर आपने जो बताया उसी तरीके से फॉलो करोगे तो 23 से 24 मार्क्स हर स्टूडेंट का आ जाएंगे, ये मैं बोल रहा हूँ। बाकी आप पर डिपेंड करेगा, अगर आप बिल्कुल पढ़ते ही तब तो नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अच्छी स्टडी करते हो, 4-5-6 घंटे अगर डेली रेगुलर अभी भी पढ़ोगे तो इतने मार्क्स आ जाएंगे। उसके अलावा अपन लोग क्या करने वाले हैं, उसके अलावा देख आपके मतलब काफी स्टूडेंट बोलते हैं गेट का आपके बढ़ा दो, गेट का बढ़ा दो, गेट का, पर टाइम ही नहीं मिलता है मुझे, ये दिक्कत रहती है। तो अब लेके मैं क्या करूंगा कि टाइम कम बचा है ये तो आप नोट कर लीजिए, इसके अलावा अपन क्या करने वाले, इसके अलावा मैं आपको बोलूंगा एक बुक आती है, बदल देता हूँ मैं आपको, ये तो आपने देखी होगी बुक, एस अकेडमी की बुक आती है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इसमें प्रीवियस ईयर के पेपर दिए होते हैं, ठीक है, ये बुक जरूर लेना आप, ठीक है ना, ये एस अकेडमी की बुक आती है, इसमें आपको ये 2019 तक है, आपको 2021 तक, ठीक है, ऐसा मिल जाएगा जिसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए होंगे। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके भी है ना, तो उसमें सॉल्यूशन भी दिए हुए, क्वेश्चन भी दिए हुए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके आपको बहुत बेनिफिट होगा, आपको समझ में आ जाएगा पेपर किस टाइप का आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना, करीब 13 क्वेश्चन पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के 13 के 13 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, बस थोड़ा सा फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे या फिर थोड़ा पैटर्न चेंज हो जाएगा, बाकी और कुछ भी नहीं आएंगे इसमें से, बस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हो सकता है, वैल्यू चेंज कर देगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो ये वाली बुक करना जरूरी है, मैं भी आपको ये बुक कराऊंगा, लेटेस्ट बुक मैंने मंगा ली है, और मैं आपको जैसे कि इसके अंदर सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको लीनियर एल्जेब्रा, लीनियर एल्जेब्रा सारे क्वेश्चन दिए हैं, और ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, अगर आप मेरी ATC मैथ्स की प्लेलिस्ट देखेंगे तो उसमें ये पूरी बुक सॉल्व कराई गई है, वो सारे क्वेश्चन जो है वो इसमें से कराया हुआ है, तो वो जाकर आप देखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत अच्छे तरीके से, जैसे रैंक ऑफ मैट्रिक्स है बहुत अच्छे लेवल से कराई गई है, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, जिसके 2 क्वेश्चन आते हैं, 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जब भी आ सकते हैं, तो वो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, तो सारे टॉपिक इस तरीके से कराया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने उसमें बहुत मेहनत की है, मुझे पता है अगर कोई स्टूडेंट देखेगा तो उसको गारंटी है वो जो देख जाएगा उसमें गलती नहीं करेगा। बाकी अपन लोग ये वाली बुक करेंगे, अभी मैंने नई बुक मंगा ली है, इसके सारे पेपर जैसे लीनियर अलजेब्रा, तो लीनियर अलजेब्रा सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, और जो जो नई चीज़ आएगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक था, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक शेयर जरूर करना, जो भी गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं आ जाओ, अपन क्लासेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी मेरे पास टाइम है, काफ़ी टाइम है, तो मैं सोच रहा हूँ क्लासेस स्टार्ट करूँ आपको, और आपको एटलीस्ट ये वाली बुक गेट से पहले मैं कंप्लीट कराऊँ, और जनरल एप्टीट्यूड के भी प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन कराऊँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you.